एक बार की बात सुनो, भगवान कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंतयंतो माम यह जना परियुपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा होकर रहता है उसके नित्य योग क्षेम की व्यवस्था मैं करता हूं। कोई भगवान के शरणापन्न होकर देखे। अच्छा देखो, भगवान योजना कितनी बड़ी बनाते हैं और कहां से कैसे। मन में अर्जुन मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए, दोनों योद्धा एक समान रे। जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। हनुमान रे जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। भगवान कृष्ण का अर्जुन मेरी पूजा के लिए फूल ले आओ। अब लीला देखो, अर्जुन से कहा मेरी पूजा के लिए फूल ले आओ। अर्जुन का भी लाता हूं धनुष बाण लेकर। वीरवर अर्जुन चल पड़े श्री कृष्ण करने वाले। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। अब संयोग से अर्जुन उसी वन में पहुंच गए जहां हनुमान जी, कदली वन। तो हनुमान जी केले के बड़े बड़े वृक्षों के बीच में बैठे, जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। अर्जुन ने नहीं देखा। पवन पुत्र थे जहां पेड़, केलों के लंबे चौड़े, फूल धनंजय ने जब तोड़ा हनुमान जी दौड़े। अर्जुन ने जैसे फूल तोड़े और हनुमान जी जय सियाराम करते हुए प्रकट। हनुमान जी ने कहा कौन हो तुम, चोरी क्यों की फूलों की, ये राम जी का बगीचा है। श्री अर्जुन बोले अरे तो पूजा के लिए तो फूल तोड़ लिए उसमें। हनुमान जी बोले राम जी का बगीचा है, मर्यादा यहां प्रमुख है, पूछ कर तो तोड़ना चाहिए, पूछते। अर्जुन ने कहा अरे क्या इसमें भी क्या पूछना, पूजा के लिए फूल तोड़े। हनुमान जी ने कहा किसकी पूजा के लिए, भगवान की पूजा के लिए। हनुमान जी बोले कौन भगवान। अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए। हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले तो कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन ने कहा अभी तो कुछ नहीं कहते, अब क्यों कहने लगे कि ले जाओ ले जाओ। हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले कि जिसके भगवान ही चोर हों। वो ले जाए फूल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि हमारे भगवान को चोर कहते हो। अरे उन्हें तो सब चोर कहते हैं। अब हनुमान जी ने तो किया विनोद। अब अर्जुन बोले कि मैं राम जी को अच्छी तरह जानता हूं। क्या है राम जी में, धनुष बाण लिए रहते हैं, इतनी शक्ति नहीं थी कि धनुष पर बाण चढ़ा के समुद्र पर पुल बांध देते, बंदरों को बुलवाया, पत्थर पहाड़ ढुलवाए। अब मेरे पास धनुष बाण है, अभी चलो मैं समुद्र पर पुल बना के दिखा दूं अभी। हनुमान जी मुस्कुराए। राम जी के कई बंदर उस पुल से पार गए थे। हाँ हाँ, तो हनुमान जी बोले तुम जो पुल बनाओ उस पर से राम जी का ये एक बंदर पार हो जाए तो बताना।
अर्जुन ने कहा अगर पुल टूट गया तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी बोले अगर पुल नहीं टूटा तो तुम जो कहोगे सो मैं करूंगा, शर्त हो। अब अर्जुन ने कहा कि चलो। अब अर्जुन ने बाण वर्षा की, बाण की वर्षा की, अर्जुन ने सागर बना समूचा। आनन फानन कई जोजन का बांध दिया पुल ऊंचा ऊंचा, आनन फानन में कई योजन का ऊंचा पुल बना दिया। हनुमान जी से कहा कि देखो पुल तैयार है। हनुमान जी ने देखा पुल तैयार है। हनुमान जी बोले तो राम जी का बंदर भी तैयार है। अब हनुमान जी ने बड़ा विशाल रूप बनाया, हजार योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। हजार योजन बड़ा विशाल रूप बनाया और एक एक योजन के बड़े बड़े पत्थर रोम रोम में बांधे। और यो ये भयंकर रूप देखा और अर्जुन तो कांप गए, आंख बंद कर ली, आंसू बहे। उत्तर दिशा में तूफान सो उठ्यो, एक भानु भुलायो या अनोखी अंधियारी सो, ऐसा भयंकर तूफान। अब अर्जुन ने जो देखा, अर्जुन सोचने लगे हाय रे नीच, बिनु कारण बुलाई मीच, और बैर बांध्यो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो, इनसे झगड़ा मोल लिया हमने। अब कांपत शरीर नैनन सो झरत नीर, बिनती बिनीत करे वीर बनवारी सो, कि ब्रज पे संकट देख आप एक गिरिधारी बने, अब की बचाओ या अनेक गिरिधारी सो। लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी, गिरधारी जी, अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी, गिरधारी जी, अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी, जैसी लाज रखी द्रौपदी की, दुशासन पछिहारी, राम खेचत खेचत दो भुज थाके, होन नदी ने उघारी, बढ़ायो चीर मुरारी, अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी। अर्जुन प्रार्थना कर रहे, लेकिन हनुमान जी उसी रूप में जो आए और जो चरण पुल पर रखा तो चले उस उगा पाताल तुरंता, पुल का पता ही नहीं कहां गया। अब अर्जुन ने देखा हनुमान जी सामने, अर्जुन जी, अर्जुन ने कहा मैं चिता में जलकर भस्म होऊंगा, मैंने वचन दिया था पुल टूट जाएगा तो मैं जलकर भस्म होऊंगा। हनुमान जी बोले मरो मत, जिंदगी बड़ी कीमती है,
अर्जुन ने कहा तो हार हार स्वीकार करके हम जिंदा रहे। हनुमान जी बोले हमारे तुम्हारे बीच की बात है, हम किसी से नहीं कहेंगे। अर्जुन ने कहा नहीं अब तो मैं मरूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए, और बस लकड़ी और चिता। अब हनुमान जी ने भी सोचा कि ये तो बड़ा झंझट हो गया, अब अर्जुन माने नहीं। तो अब हनुमान जी प्रार्थना करने लगे, लाज राखो गिरधारी अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी अब की टेक हमारी, हमारी हमारी रे अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी अब की टेक हमारी, हमारी अब की टेक हमारी, टेक तब तक देखा कि अर्जुन बिल्कुल तैयार, तो भगवान श्री कृष्ण वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। और जैसे वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए तो हनुमान जी ने भी हाथ जोड़े, अर्जुन ने भी ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता बोले भक्तराज ये आग क्यों जलाई, भोजन बना रहे हो क्या? भोजन बनाओ तो हम भी सम्मिलित रहें। अर्जुन बोले महाराज अब तो भोजन बनाने ही वाला जा रहा है। क्यों महाराज? मैंने कहा था मैं पुल बनाऊंगा, और हनुमान जी ने कहा था हम तोड़ देंगे। हमने कहा तुम पुल तोड़ दोगे तो हम चिता में जलकर भस्म हो जाएंगे, और इन्होंने पुल तोड़ दिया। तो धर्म पर हमें प्राण देना चाहिए कि नहीं? वचन पर प्राण देना चाहिए, क्षत्रिय को आन पर प्राण दे देने चाहिए, और इसलिए मैं जल रहा हूं, आप बताओ। सो ब्राह्मण देवता बोले अवश्य धर्म पर प्राण तुरंत दो, आन पर तो प्राण। हनुमान जी ने मन में सोचा कि ये और जल्दी मारेंगे इसे, ये बेचारा जैसे तैसे समझता भी, ये धर्म की दुहाई दे दे के मार डालेंगे इसे, मार। भगवान से प्रार्थना की तो भगवान क्या बोले, लेकिन एक बात बताओ क्या तुम दोनों ने शर्त लगाई? हां लगाई। निर्णय करने वाला तीसरा कौन था? बोले तीसरा तो कोई नहीं, हम ही लोग थे। भगवान बोले वाह ये कोई नियम होता है, निर्णय निर्णय करने वाला तीसरा होता है। हां ये बात तो है, दोबारा पुल बनाओ। और फिर हनुमान जी उसे तोड़े तो चिता में जलकर भस्म हो जाना, और नहीं तोड़ पाए तो तुम जो कहो हनुमान जी माने। हाँ ये बात तो ठीक है, हनुमान जी ने भी स्वीकार कर ली, अर्जुन ने भी स्वीकार कर ली। दोबारा पुल बनाया अर्जुन ने, और हनुमान जी फिर उसी रूप में, भगवान कृष्ण देख रहे, लेकिन उनको लगा कि कहीं टूट ना जाए पुल। तो भगवान ने एक काम किया, ब्राह्मण के रूप में तो ऐसे प्रकट रहे और कच्छप बनकर पुल के नीचे बैठ गए, और हनुमान जी पार गए। हनुमत लौटे पुल ज्यों का त्यों निहारा, पर फटा भोज से बदन कमट का बही रक्त की धारा। अब ब्राह्मण गायब और रक्त की धारा कैसी, तो हनुमान जी भी दौड़े, अर्जुन भी, सब गए पुल के नीचे, तो देखा कि वहां श्री कृष्ण भगवान खड़े। हनुमान जी ने भी चरणों में प्रणाम किया, अर्जुन ने भी, भगवान ने दोनों को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अब आप आ गए, मैं हार गया, अर्जुन जीत गए। भगवान ने कहा कि मैं यही चाहता था। अर्जुन ने कहा अब मैं बताऊं क्या करना है, मैं जो कहूंगा सो ये करेंगे। भगवान बोले अरे अभी के लिए नहीं, कभी के लिए इनको तैयार किया है, मौका लगे तब बोलना, अभी नहीं, मैं बताऊंगा तब। हनुमान जी ने कहा याद रखूंगा।
भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर आ गए। बहुत दिन तक कोई बात ही नहीं बनी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर गए, दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया। भगवान विदुरानी जी का आतिथ्य स्वीकार करके लौट आए। अब महाभारत का युद्ध अवश्यम भावी हो गया, होगा होगा होगा। अब जब युद्ध निश्चित हो गया, तब भगवान ने अर्जुन से कहा, एक दिन दुर्योधन भी आया, अर्जुन जी भी आए, और भगवान ने कहा एक ओर मेरी सेना रहेगी, एक ओर मैं अकेला रहूंगा और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन पहले आए पर सिरहाने बैठे, अर्जुन बाद में आए चरणों में बैठे, भगवान सोने की लीला कर रहे हैं। नेत्र खोलकर बोले, अर्जुन तुम्हारी मैं क्या सहायता करूं? दुर्योधन बोले, मैं पहले आया हूं। भगवान बोले, हमने तुम्हें देखा बाद में, नहीं पहले मुझे वरदान मिला। अच्छा अच्छा मांगो। दुर्योधन ने तो कहा कि अर्जुन मांगे, अर्जुन ने कहा कि कृष्ण मैं केवल आपको चाहता हूं, आप मिले मुझे बस। अरे मैं लड़ूंगा नहीं, और मेरी से नहीं, मुझे आप चाहिए, आपके साथ। हरि अगर साथ हो तो हार भी अच्छी, भगवान आपके साथ। भगवान को मांग लिया अर्जुन ने, और दुर्योधन ने सेना और वो सब मांगे। अब युद्ध निश्चित हो गया, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हनुमान जी को अब बुलाओ। अर्जुन बोले, आप भी चलो। तब अर्जुन को लेकर भगवान कृष्ण गए, हनुमान जी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि अब अर्जुन मांगने आए हैं, युद्ध होगा और आपको चलना है। श्री अर्जुन तो कह रहे थे कि युद्ध तो मैं लड़ूंगा, आपको क्या करना है? तब मैंने कहा कि श्री राम अवतार में श्री हनुमान जी के बिना मैं युद्ध नहीं लड़ सका, तो तुम अकेले इस अवतार में कैसे युद्ध करोगे? हनुमान जी के बिना विजय नहीं मिलेगी। बंधता नहीं पाहन सागर से दल बानर भालू, कहां लग ढोते सतजोजन सिंधु, तरंग तरंगित जान के जान कोई नहीं खोते। रहते रघुवीर अधीर पुनी, बनवासी बने सी वियोग में रोते। गढ़ लंक निशंक अजय रहता, हनुमान हठी जो सहाय न होते। इसलिए हनुमान जी चलो। हनुमान जी ने कहा कि जो आज्ञा, पर हम राम जी के चरणों में रहते हैं। भगवान कृष्ण से कहा कि हम तो राम जी के ही चरणों में रहते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, तो हमारे सिर पे ही बैठ जाना, पर चलो। तो हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, सो बात नहीं, चलेंगे तो हम जरूर, लेकिन हम बिना सत्संग के नहीं रह सकते, बिना कथा सत्संग के रह नहीं सकते। अर्जुन बोले, सुन लो, वहां वहां कथा होगी, सत्संग होगा कि लड़ाई होगी? अगर वो कथा सत्संग सुनने वाले होते तो युद्ध ही काय को होता। हनुमान जी बोले, हमारे प्रभु तो युद्ध में भी सत्संग कर लेते हैं। रावण रथ में बैठकर आता है, और रावण रथी विरथ रघुवीरा, भगवान धर्म रथ का वर्णन कर देते हैं। अच्छा ठीक है, पर हम बिना सत्संग के नहीं रह सकते। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है चलो, तुम चलो, हम तुम्हें सत्संग सुनाएंगे। भगवान कृष्ण ने यह शर्त मान ली, और अर्जुन के साथ श्री हनुमान जी आए, और अर्जुन के रथ पर ध्वजा पर हनुमान जी महाराज विराजमान हुए। अर्जुन के रथ का नाम हुआ कपित ध्वज। हर जब अर्जुन बाण बरसा करते तो भीष्म पितामह का रथ दूर तक खिसकता, और जब भीष्म पितामह बाण बरसाते तो अर्जुन का रथ थोड़ा खिसकता। तो भगवान से अर्जुन कहते, प्रभु देखिए पितामह का रथ कितने पीछे गया, अपना रथ तो थोड़ा ही खिसका। नीचे देखो हनुमान। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन नीचे नहीं ऊपर देखो, ऊपर वाले की वजह से नीचे सब चमत्कार हो रहे हैं।
पर भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि मैं तुम्हें सत्संग सुनाऊंगा, और इसीलिए अर्जुन के मोह का तो बहाना था, गीता तो भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी को सुनाना चाह रहे थे। और जिसने भगवान के मुख से गीता सुनी हो, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और उनके मुख से गीता सुनी हो, इसलिए हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज हुए। युद्ध हुआ, कर्ण के तरकस में एक ऐसा बाण जो किसी के भी ले सकता था प्राण, बड़ा शक्तिशाली बाण, उसने कर्ण से कहा था कि मैं इच्छा रूपधारी नाग हूं, बाण बनकर तुम्हारे तरकस में रहूंगा, अर्जुन से मेरा भी विरोध है, खांडव देश का निर्माण करते समय इन्होंने मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, मैं भी अर्जुन के प्राण लेने के लिए सक्षम हूं। कर्ण के पास वह बाण, और एक दिन ऐसा आया कि कर्ण ने वही बाण चलाया, और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया चारों तरफ त्राहि त्राहि मच गई, देवता आकाश में हाहाकार करने लगे और सबने कहा चारों तरफ आवाज उठी, भगवान बचा लो अर्जुन को, भगवान कृष्ण भी बोल उठे हनुमान बचा लो अर्जुन को। भगवान कृष्ण से सबने कहा हे भगवान अर्जुन को बचाओ, अर्जुन को बचाओ, और भगवान कृष्ण हनुमान जी से बोले हनुमान जी अर्जुन को बचाओ। ये भगवान हनुमान जी से कहते हैं, क्यों? को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है तारो, जो तुम सो नहीं जात है तारो, जो तुम सो नहीं जात है तारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, जो कछु संकट होए हमारो, नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम प्यारो, नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम प्यारो। और धन्य श्री हनुमान जी को जैसे ही भगवान ने कहा, हनुमान जी को देर ही नहीं लगी, रथ पर बैठे थे, थोड़ा वजन बढ़ा दिया, धरती फट गई और रथ समेत पाताल में चले। अब बाण को कोई लक्ष्य ही नहीं मिला, पृथ्वी पर चलकर व्यर्थ हो गया, फिर दोबारा चल नहीं सकता था। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर हनुमान जी रथ समेत फिर बाहर आ गए, और जब बाहर आए तो भगवान ने कहा कि हनुमान जी एक दिन श्री राम अवतार में हमें और लक्ष्मण को बचाने के लिए आप पाताल गए थे, आज हमें और अर्जुन को बचाने के लिए पाताल में चले गए। भगवान श्री कृष्ण प्रेम मूर्ति है, अर्जुन के लिए यह सब व्यवस्था पहले से करते हैं, लेकिन किसकी व्यवस्था भगवान करते हैं? अर्जुन ने अपने रथ का सारथी भगवान को बना लिया कि बस इस रथ पर बैठकर मैं लड़ूंगा, बाण चलाऊंगा, कार्य करूंगा, पर इस रथ के सारथी बनकर आप
इस रथ की लगाम आपके हाथ। और इसी तरह हम अपने जीवन में ऐसे सोच लें कि इस जीवन में आप जो कराएंगे वही मैं करूंगा, करिष्ये वचनम तव, लेकिन हमारे इस जीवन रथ के सारथी आप, आपके हाथ इस जीवन रथ की लगाम। ऐसे ऐसे भाव से अगर कोई भर कर रहता है तो भगवान उसके प्रेम के कारण उसके हो जाते हैं, उसके बन जाते हैं। ऐसे प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण जो आश्रित भक्त को निर्भय करते हैं, निर्द्वंद बनाते हैं उसका जीवन। और वे तो कहते हैं कि कोई अनन्य भाव से मेरा स्मरण करे तो मैं तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसका मैं उद्धार करूंगा। और हम भी कहते हैं, बड़ी सीधी सी बात है, इतने सारे नियमों का पालन अगर न करना हो तो भगवान की शरणागति रूपी बस पीछे से आ रही है। आप तो विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ, फिर कुछ नहीं करना है, चाहे दाएं बैठो चाहे बाएं, चाहे दाएं बैठो चाहे बाएं, चाहे अखबार पढ़ो चाहे सो जाओ। अब जिम्मेवारी आपकी नहीं रही, अब तो जिम्मेवारी उसकी है जो आगे बस चलाने के लिए बैठा है, वो सबको बचा कर ले जाएगा। इसी तरह अर्जुन रथ में रथी होकर बैठे पर सारथी तो भगवान है, इसी तरह हम लोग भी अपने जीवन रथ में रथी होकर तो बैठे पर इस रथ के सारथी भगवान हो। और अगर ऐसा हो जाए तो भगवान अपने प्रेम से हमें धन्य कर देते हैं। तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों की यह मर्यादा और प्रेम की चर्चा हमारे आपके जीवन को धन्य करे, यही मंगलमयी प्रार्थना। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा 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 राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, सिय सिय सुमिरत राम जो सिय सुमिरत राम, जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम, श्री सीता राम जी महाराज, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।